दिव्या मेरी बहन है और वो तुझसे शादी करना चाहती है। पर मैं उसकी इस चाहत से बहुत खुश हूं। अरे जब दिव्या और रियान एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्यों ना इन दोनों की शादी करवा दी जाए। मिस्टर एंड मिसेस गुजराल, इन दोनों की चाहत को देखते हुए क्यों ना इनकी चट मंगनी पट बिया हो जाए। What nonsense is going on? अब आएगा ये राजेश प्रताप सिंह हमारी मुट्ठी में। दोस्ती जो रिश्तेदारी में बनने जा रही है। I'm really excited क्योंकि आज से पहले मैंने कभी कोई इंडियन वेडिंग नहीं देखी है एंड राजू चाहते हैं कि हम दोनों की शादी एक इंडियन ट्रेडिशनल वे में हो, तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर हमारी शादी के पहले मैं इन दोनों की इंडियन स्टाइल में शादी कैसे होती है वो देख लूँ, तो मेरे लिए बेटर होगा। Yeah, good point. मिस्टर गुजराल, रियान और दिव्या की शादी से कोई एतराज? No, एतराज क्यों? अगर दिव्या और रियान एक दूसरे से शादी करेंगे then that's all good, ना? लेकिन एक बात तुम दोनों याद रखना, शादी सिर्फ साथ फेरे नहीं, साथ वचन होते हैं जो जिंदगी भर आपके साथ रहते हैं, आपका साथ देते हैं। सो प्लीज एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। दिल में जहर और जुबान पे लेक्चर। खुद की शादी को तो इज्जत नहीं दी, अब दूसरों से कह रहा है कि वो अपनी शादी की इज्जत करे। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, इन दोनों की शादी इससे बेटर क्या हो सकता है। ये शादी एक तीर से दो शिकार करेगी। पहला, रेहान को मेरी बेटी की जिंदगी से निकाल के फेंक देगी। दूसरा, राजेश प्रताप सिंह की रिश्तेदारी वो जमीन हमारे दामन में डाल देगी। अब एक सेकंड। ये लीजिए, सब लोग मुंह मीठा कीजिए। ऋषभ, कांग्रेचुलेशंस। Congratulations. अब मेरी एक ख्वाहिश है कि जब तक ये शादी नहीं होती तब तक मिस्टर सिंह, दिव्या और कियारा हमारे साथ इसी घर में रहें। वो क्या है ना, अब तो आप लोग फैमिली बन ही गए हो, सो व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच। वेल एक्चुअली एक फिल्म रिलीज हो रही है, एक विलन रिटर्न्स, मुझे उसके प्रीमियर पे जाना है, तो क्यों ना आप सब लोग भी हमारे साथ आए। मैं आपको ट्रेलर देखा था उसका, या प्लीज राउंड करो। एक्चुअली इट मेक्स सेंस, हम यही रुक जाते हैं और आज प्रीमियर के लिए जाना है तो व्हाई नॉट हम कल शाम को ही एंगेजमेंट कर ले। या गुड पॉइंट। या वाह, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज समझने की कोशिश करो यार, प्लीज सोने दो ना। ये क्या प्रॉब्लम है यार तुम्हें? तो मर गई थी ना, तो तुम ही आगे थे। यहां तो कोई भी नहीं, शायद मेरे मन का वहम था। यू चीटर, तुम मुझे डरा रही थी ना, तुम कर रही थी ना ये सब। नहीं रिहानी, क्या बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तो ये सब किसने किया? तुम्हारे डैड, वो मुझे क्यों दिखाई दे रही है? नहीं, तुम्हें समायरा नहीं, तुम्हें समायरा का डर दिखाई दे रहा है जो हर खूनी को दिखता है। तुम्हें क्या लगा? मुझे लगता है कि समायरा का भूत जो है ना, वो तुमसे बदला लेने आया है। तुम्हें क्या लगा तुम शादी कर लोगे फिर से? नहीं,
वो तुम्हें शादी करने ही नहीं देगी, तुम्हारा पीछा करेगी, तुम्हें छोड़ेगी भी नहीं वो। तुम्हारा खेल खत्म और मेरा खेल शुरू। ये क्या कर रहे हो? ऐसे मैराथन क्यों लगा रहे थे? All okay? वो मैं actually. Listen. तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा। You've got to be careful. After all, तुम दिव्या के फियांसे जो हो। ये तो बस शुरुआत है। खौफ की बारिश तो अब शुरू होगी। डरना जरूरी है। डरो, डर डर के मरो। तो दिव्या का रूम है। ओह, हे स्वीटी भाई, तुम्हारे प्रेशियस 5 मिनट मिल सकते हैं मुझे? कुछ बात करनी है, एटलीस्ट आज की रात। मैं अकेला नहीं रहना चाहता। तुम इतनी प्रीटी जो, तुम्हारे चेहरे से नजर ही नहीं हटती। ये नहीं हो सकता। हाँ, मैं जानती हूँ। आओ मेरे पास। क्या हुआ? तुम यहाँ मेरे कमरे में? हाँ, मैं तुमसे सॉरी बोलने आया था। जो पीछे मैंने जो इतनी स्टुपिडिटी की, उसके लिए सॉरी बोलने आया था। रिहान, आर यू ओके? कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? नहीं, वो मैं दिव्या, मेरी इतनी मदद करने के लिए थैंक यू दिव्या। और तुम डरो मत, मैं उस लड़के को तुम्हें एक खरोच भी नहीं देने दूंगी। आई प्रॉमिस। आज मैं इस घर में वापस आ गई हूँ, और वापस आने के बाद आज मेरी इस घर में पहली रात है। कल तक मेरी आंखों में नींद नहीं थी, पर आज के बाद इस घर के किसी की भी आंखों में नींद नहीं होगी। होगी तो सिर्फ तड़प होगी। कल तक मैं तड़पती थी। मुझे इस घर में प्यार, मेरे प्यार के सारे रिश्ते मिले। जो भी मिला सब कुछ इस घर से ही मिला। और फिर दुश्मनों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। पर अब कायनात ने अपनी करवट बदल दी है। अब मैं उनसे उनका सब कुछ छीन लूंगी। तुम दोनों ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। मेरी कोख का टुकड़ा, मेरी रगों में बहता हुआ खून मुझसे छीन लिया। पर अब मेरी बारी। अब मैं तुम दोनों से तुम्हारा सुकून छीन लूंगी। तुम दोनों को मौत का दर्द दूंगी। तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे मैं तुम लोगों को क्या से क्या कर दूंगी।
यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है पूरा सपना देखा है। हाय, तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली मेरा 10,000 स्टेप्स आज कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं वॉक कर रही हूँ। तुम आधी रात को वॉक कर रही हो? लिसन, जब वॉक करते हैं तब टाइम नहीं देखते, और टाइम देख के कभी वॉक नहीं करते, क्योंकि कोई अगर देखते हैं तो हमारा फिगर देखते हैं। oh. और मैं अपना फिगर मेंटेन करती हूँ, सो इसीलिए वॉक करती हूँ। वैसे लिसन, वहाँ से एक यू नो आई कुड हियर सम साउंड्स, ऐसे कुछ आवाज आ रही थी। व्हाट्स दैट? वो तो सिर्फ हवा है। वो पता क्या है, हमारे ये जो बंगला है ना, इसे बहुत दूर है जंगल में, तो ऐसी आवाजें तो यहाँ आती रहती है। ये क्या जगह है? मैं कितने टाइम से इस घर में रही, फिर भी मेरी नजरों से ये जगह कैसे चूक गई? वो पता क्या, मुझे भी नींद नहीं आ रही है, गार्डन में वॉक करी जाके। मुझे महक से पता करना है घर की चार दीवारों के अंदर चल क्या रहा है, तो इसके साथ वॉकिंग कर ही लेती हूँ। मुझे रातें बहुत अच्छी लगती हैं। इनमें इतने राज छिपे होते हैं, लेकिन फिर भी कितने खामोश होते हैं। तो मैं रातों से डर तो नहीं लगता ना? हाँ, मेरी छेड़ो, तुम बताओ, तुम्हें मेरा फेस देख के डर तो नहीं लगता? सॉरी, आई मीन तुम ऑल द टाइम मेरे चेहरे को ही देखती रहती हो, क्या हुआ, मेरे फेस पे कोई पिंपल आ गया क्या, या कोई नया डिंपल? आई मीन गॉश, तुम अपना चेहरा मिरर में देखो, कितनी डर गई हो तुम। रिलैक्स बेबी। बाय द वे, क्या तुम्हारी सिस्टर एग्जैक्टली डिटो मेरे जैसे दिखती है क्या? आई मीन तुमने तो कहा था कि तुम्हारी एक सिस्टर है जो एग्जैक्टली डिटो मेरे जैसे दिखती है, तो वो भी बहुत प्रिटी होगी नहीं? आई मीन रियली, मुझे लगा आई वॉज द ओनली वन जिसकी इतनी क्यूट जॉलाइन है। आई मीन देखो मेरा फेस कट कितना परफेक्ट है, देखो जरा। और तुम कहती हो कि तुम्हारी सिस्टर एग्जैक्टली मेड इट अ कॉपी, बट आई कांट बिलीव जब तक मैं खुद अपनी आंखों से ना देख लूं। वैसे वो है कहाँ, छुट्टी भी गई है वो? क्या हुआ, तुम रुक क्योंगी? ओ स्टॉप दिस ड्रामा, मुझे पता कि तुम कोई कियारे व्यारे नहीं हो, तुम प्रथा हो, नागिन हो तुम। नागिन? What do you mean? What's that? अभी पता चल जाएगा, और एक ही रास्ता है पता लगाने का, और जब मैं तुम्हें अरे मैं तुझे मार डालूं, मुझे पता तू नागिन है, नागिन।
नागिन हूं मैं, नागिन, नागिनों की नागिन, शेष नागिन। मुझे पता था कि तू जिंदा है, बच गई तब नहीं मरी तो क्या, आज मरेगी तू। तुमने मेरी पीठ पर खंजर भोंका, मुझे धोखा दिया, मुझे धोखे से मार दिया, पर आज आज तेरी मौत होगी। आंखों से सपने देख रही थी क्या? क्या देखा बताओ ना। Oh, darling, are you okay? नहीं, ये प्रथा नहीं है। अगर होती तो अब तक चुप नहीं रहती। अभी मैं चुप हूँ क्योंकि मेरी ये चुप्पी ही मेरी शुरुआत है। जब तुम्हारे घात का प्रतिघात करूंगी ना, तब तुम्हें मौत से भी बदतर सजा दूंगी। यू नो व्हाट बेबी, मेरे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हो गए और मैं बहुत थक गई हूँ। आई एम टायर्ड, मैं सोने जा रही हूँ। बाय। वो जमीन, यू नो व्हाट, मैं अभी भी सोच रही हूँ। एनीवे, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टूडल्स। ओह गॉड, कितना सोचेगी ये जमीन के बारे में, कब देगी ये जमीन। आखिर क्या है घर के इस हिस्से में जो महक मुझसे छुपाना चाहती थी? इस दरवाजे के पीछे जरूर कोई ऐसा राज है जो इस घर की नींव को हिला सकता है। तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैं इतने वक्त तक इस घर में रही, पर मेरी नजरों से एक कॉरिडोर कैसे चूक गया? वैसे ये कॉरिडोर का रास्ता जाता कहाँ है? मेरा खाना कहाँ है? मेरा खाना! ये आवाज तो उस दरवाजे के अंदर से आ रही है, पर ऐसा भी क्या है इस दरवाजे के अंदर जो इस दरवाजे पर इतना बड़ा ताला लगा हुआ है?
ये आवाज, ये ताला, ऐसा भी क्या राज है इस दरवाजे के पीछे? ये चाबी इसी ताले की हो सकती है। शायद हवा से बंद हो गया। इस कमरे में तो सिर्फ खाली बॉक्सेस और कचरा पड़ा है, तो इस कमरे पे इतना बड़ा ताला क्यों लगाया इन लोगों ने? करो रीम, तुम्हारी माँ नागिन थी, समझी? और तुम्हारी ये जो कजिन बहन है ना, वो भी नागिन है। नागिन नहीं, शेष नागिनों में शेष नागिन। शेष नागिन है। जी जी, जब भी आपका बेटा आएगा आपको वो जमीन मिल जाएगी। शो जी हाँ, हम उसी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, वो लड़की भी यही है जी। मैंने कल रात फिर से उससे बात की थी, फिर उसने चालाकी से बात ही डाल दी। अगर वो चालाक है ना, तो हम भी महाचालाक बनेंगे। आई डोंट केयर, मुझे वो जमीन कैसे भी चाहिए, कुछ भी करो मुझे वो जमीन लाके दो प्लीज। महक, उस लड़की को पटाओ, उसे मनाओ कि वो हमें वो जमीन दे दे। अंडरग्राउंड का वो कॉरिडोर है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो तुम यहाँ क्या कर रही थी? वो एक्चुअली मैं गुम गई थी, पता ही नहीं चला मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। ये दरवाजा तो नहीं खोला ना तुमने? नहीं, मैंने खोला तो नहीं, बट उसके अंदर है क्या पता नहीं। मैं भी कभी अंदर नहीं गया। वैसे अंदर बहुत गंदगी है, इट्स रियली डर्टी, बहुत धूल मिट्टी चाले, यू नो,
आप लोग वो कमरा साफ क्यों नहीं करते? बड़ी बड़ी हवेलियों में अक्सर ऐसे कोने होते ही जो आने वाली जनरेशन के लिए होते हैं, तो इस कमरे में भी शायद बस वही कुछ पुरानी यादें। पर पुरानी यादें आजकल किसे पसंद होती है? आजकल तो लोगों को सब नई चीजें पसंद आती है। कोई पुरानी चीजों को, पुराने लोगों को याद नहीं रखना चाहता, बस नई यादें बनाना चाहते। बाकी लोगों का तो नहीं पता, पर मुझे पुरानी चीजें बहुत अच्छी लगती। यार भाई, कितनी शादियां करेगा? मतलब? अरे यार, तेरा प्लान तो ये था ना कि एक शादी करूंगा लेकिन सौगरा 100 बार मनाऊंगा, तो ये दूसरी शादी क्यों कर रहा है? यार देख, ये शादी एक चिंगिस्तान के प्रोडक्ट्स की तरह, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। अपनी लाइफ का एक फंडा है, शादी 2 दिन ना चले ना तो दूसरी कर लो। धीरे बोल, तेरी फैंस नेक्स्ट रूम में अगर उसने सुन लिया ना तो। अरे यार, तेरे भाई का चाम इतना जबरदस्त है, कोई लड़की छोड़ती नहीं उसे। भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन तुझे पता है ना तो ये शादी क्यों कर रहा है? ऑब्वियसली पैसों के लिए। देख, सबसे पहले पैसे मेरे लिए लेना, वो बैटिंग वाले ना मेरे पीछे पड़े हुए, अगर उनको पैसे नहीं मिले ना तो वो मुझे जान से मार देंगे। टेंशन मत ले, मैं हूं। ये वही लोग हैं जिन्होंने दिया को मार के ठिकाने लगाने में हमारी हेल्प की थी, इन्हें बिल्कुल लाइटली मत लेना यार, प्लीज जल्द से जल्द पैसे दे रहे हैं। डोंट वरी, सब हो गया। चल। अरे रेहान, I don't think ये पिंक कलर मुझ पे सूट कर रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। What do you think? Oh, actually, even I don't know. पर एक रास्ता है जाने का। रिहान, रिहान आ रहा है। रिहान, रिहान तुम ही बताओ, दिव्या कैसी लग रही है? सुपर्ब यार, बहुत सुंदर, सच में। आई गेस वो लेवेंडर वाला ज्यादा सूट करेगा भाभी। यस, रिहान बोल रहे तो आई थिंक ही इज राइट। मैं ये लेवेंडर ही पहन लेती हूँ। रिहान, यार उस अंडरग्राउंड क्लब वालों का मुझे कब से कॉल आ रहा है? तूने कहा था ना तू मुझे पैसे देगा, कहाँ है पैसे? मैंने बोला था उसे जब वो मुझे देगी मैं दे दूंगा, अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं है। रिहान, 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 यार भाई प्लीज समझने की कोशिश कर यार, वो लोग मुझे जान से मार देंगे, प्लीज यार। गैम्बलिंग करके पैसे हारने से पहले मुझसे पूछा था क्या? अब जो मेरे सिर पे चढ़ के नाच रहा है। भाई तू मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। और जो तूने दिखाया वो क्या था? दिव्या के रूम में आने की क्या जरूरत थी? आया तो है, उसको ऑप्शन भी सिलेक्ट करा के गया। वाह, और वो तेरी बात भी मान रही थी क्यों? तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई यार? वो मेरी होने वाली भाभी अगर कर भी दिया तो क्या बात हो गई? मेरी होने वाली बीवी है जो तेरा अप्रूवल लेने में बिजी थी। अरे तू इस ओके ना यार, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे अरे अरे, गाइस गाइस, क्या हो, तुम दोनों से लड़ क्यों रहे हो? मैंने इसकी होने वाली बीवी को एक सजेशन क्या दे दिया, इसे तो गुस्सा आ गया। रिहान, तुम्हें इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए, तुम दूर ही रहो तो बेहतर होगा। भाभी आपको ना मैं पहले से ही पसंद नहीं हूँ, मुझे पता है, इसलिए आप ना इसी की साइड लोगे। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो है भाभी, नहीं एक्चुअली प्रॉब्लम ना इस घर की है, मुझे आज तक कोई भी अच्छी भाभी मिली ही नहीं। पता नहीं मेरा दिमाग ही ब्लॉक हो गया जब ये दिव्या से बात कर रहा था। मैंने तेरी बीवी से बात नहीं की। मैं तुझे वॉर्न कर रहा हूँ, मेरी होने वाली बीवी से दूर रह, वरना तेरी बीवी के पास। गाइस प्लीज प्लीज रिलैक्स। रिहान, ये इंगेजमेंट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम बैकआउट करने के बारे में सोचना भी मत। और विहान, तुम्हारे भाई के हाथ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ लग गई है, और तुम्हारे लिए भी मेरे पास एक प्लान है, तो तुम जल्दी जाओ और तैयार हो जाओ। हुँ? आज की रात एक जश्नी रात है, पर आज की इस जश्नी रात पे एक मातम भी होगा।
आज रात मैं अपना सबसे पहला इंतकाम लूंगी। जय भोलेनाथ।